राशन दुकान में भारी भ्रष्टाचार, राशन न मिलने से जनता परेशान, सेल्समैन की मनमानी उतारू, जनता बोल रही हमारा कोई सुनने वाला नहीं। मामला ग्राम पंचायत सिमरिया का, जहां सेल्समैन धर्मेंद्र पटेल जनता में भारी आक्रोश, 3 माह से नहीं दिया SDM हो या कलेक्टर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। धर्मेंद्र पटेल के इतने बड़े भाव देखकर बेचारी गरीब जनता माननीय SDM कार्यालय पहुंचे। SDM कार्यालय पहुंचकर SDM शिकायत दी। SDM साहब ने तुरंत तहसीलदार मैडम को बोला कि सिमरिया सेल्समैन से राशन चेक करे, उसकी पर्ची वगैरह जो भी हो उससे सब जब्त करके ले आए। इसी प्रकार पान उमरिया में सेल्समैन अश्विनी शुक्ला की दबंग गई। इसमें पान उमरिया नगर अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने अश्विनी शुक्ला के खिलाफ धरने का अल्टीमेटम दिया, 2-3 दिनों के अंदर अश्विनी शुक्ला को वहां से अलग नहीं किया जाता तो वह धरने पर बैठ जाने पर मजबूर हो जाएंगे। SDM साहब ने उनको भरोसा दिया है कि बहुत जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। सिमरिया शिकायतकर्ता महेंद्र कुमार दुबे, भल्लू लाल, कल्लू नानी बाई, आदिवासी जिया भाई, कविता भाई, गुलाब रानी, रमाबाई मेहरा, अंकित आनंद आदि लोगों की मौजूदगी रही। संवाददाता राजेंद्र कुमार चौरसिया, उमरिया पान कटनी। कुल मिलाकर के जो टीम दी गई है उसमें आपके तहसीलदार शामिल हैं? हाँ, साथ में मेरे तहसीलदार और AFO दोनों की एक जो टीम बनी हुई है, वो टीम जाकर के अभी तत्काल सिमरिया में जांच करेगी और उमरिया पान भी जांच करेगी, और जहाँ जहाँ सोसाइटी है मैंने वहाँ पे सबकी ड्यूटी लगाई है जांच के लिए, कहीं से भी कोई समस्या है तो उसकी जांच करें और मुझे अवगत कराएं ताकि हम कार्रवाई कर सकें। सर, ये पान उमरिया से प्रदीप चौरसिया जी आए हैं, ये धरने पर बैठ रहे हैं तो हाँ, इस संबंध में अभी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, मैं उस दुकान की पूरी जांच करवा रहा हूँ क्योंकि उस दुकान की जांच क्या पूर्व में भी कुछ आई थी पहले उसकी रिपोर्ट अभी हमारे पास एक आई है और पुनः मैं जांच करा करके उसकी जांच करके अगली कार्रवाई जो भी है उसमें करूंगा। सर, जो अपने मतलब जांचकर्ता अभी जैसे उसको वहाँ से हटाना भी सर हमेशा 2 साल से पंडित जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र कुमार दुबे है। ये मामला क्या है जो आज भीड़ लगी SDM कार्यालय के सामने, तो आखिर मामला क्या है? ये हम ग्राम पंचायत सिमरिया से आए हुए हैं, हमको मतलब ये राशन दुकान नहीं मिला है। हाँ। राशन नहीं मिलता है और मतलब जो धर्मेंद्र पटेल है सेल्समैन, वो मतलब विगत तीन महीनों से राशन वो दिया ही नहीं। तो राशन कहाँ चला जाता है पंडित जी? देख लेता, पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो किसको दे देता है, ब्लैक कर लेता है और मतलब अपना जेब भरता है और अधिकारियों को जेब भरता होगा। अच्छा। मतलब पब्लिक परेशान है, हम मतलब इतना त्रस्त हो गए कि मतलब तब हम यहाँ आए हैं SDM साहब के यहाँ। तो आप लोगों ने उससे पर्सनल बात की कि भाई ये गल्ला हमारा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस बार वो बोला ना कि हम गेहूं के अलावा कुछ नहीं दे रहे, न चावल देंगे न कुछ देंगे। और बात करने में और बहस करता है, उठपटांग बहस करता है, घबराता है, वो तो बोलता है कि जो उखाड़ ला उखाड़ ले, मेरा न कुछ शासन कर पाएगी और न आप लोग कर पाओगे। वो कहता है कि आप प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, पर वो भी कुछ न कर पाएगा। मेरा मेरी इतनी पकड़ है मजबूत कि पब्लिक कुछ न कर पाएगी मेरा। अच्छा, यानी उसका कहना है कि अधिकारियों से मिली भगत के कारण मेरे कहीं भी आप चले जाओ, कोई सुनाई न होगा। ऐसा मैं इतना खिला देता हूँ अधिकारियों को कि मेरा कुछ नहीं कर पाएगा कोई, सबके बोलती बंद कर दिया हूँ मैं, इस तरह बोल रहा है खुलेआम।